الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यहाँ पर एक इंकलाबी मुहिम में बैठी तमाम मेरी इज्जतदार पता नशी माँ बहने और इस इंकलाबी मुहिम में शामिल मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े, मेरे छोटे, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के बीच में से दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, किराड़ी की सरजमी से आपके बीच में आया हूँ आप लोगों को सलाम करने के लिए कि जो इंकलाब हिंदुस्तान के अंदर आप लोग लेकर आए और जो दिल्ली ने पूरे हिंदुस्तान में एक इंकलाब को पैदा किया, शाहीन बाग बना, शाहीन बाग से आज पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने शाहीन बाग बन गए। और वो मेरी माँ बहने जिनको ये हुकूमत बुरखे में लिपटी ट्रिपल तलाक की मारी समझ रही थी, जिसे कमजोर समझ रही थी, आज उन माँ बहनों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर आकर ये बता दिया कि मुसलमानों की महिलाएं कमजोर नहीं है, उनके भी हक और हुकूक है। और पूरा हिंदुस्तान आज आप लोगों को सलाम कर रहा है। अगर मैं आपके बीच में आया हूँ तो एक पैगाम देने आया हूँ, आपके जज्बे को बढ़ाने आया हूँ, आपके हौसले को बढ़ाने आया हूँ, ताकि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो आपके हौसले के अंदर और हिम्मत आए, आप और जज्बों के साथ, उस हौसले के साथ, उस हिम्मत के साथ यहाँ पर बैठकर इस इंकलाब को आगे बढ़ाए और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बताए कि मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियां दी थी हिंदुस्तान के लिए, हम अपनी शहरियत तुम्हें नहीं दिखाने वाले। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज इस मुल्क में सच बोलने वालों की जुबान पर लगने वाला ताला है, क्योंकि सच बोलने वाला मुसलमान इस हिंदुस्तान में गद्दार और साला है। लेकिन इन हुकूमत को बताना पड़ेगा कि हमारी जुबान पर मचलती हुई सच को तुम दबा ना पाओगे। तुम लाख गोलियां चला लो, तुम लाख गोलियां बरसा लो, मुसलमान का एक भी सीना कम ना पाओगे। और इस मुसलमानों के जिस्म में उनके लहू में मुल्क की मिट्टी की मोहब्बत दौड़ती है। तुम लाख गोलियां चलाओ, छातियों पर छल्ली कर डालो, तुम लाख लाठियां चलाओ, जिस्म की हड्डी हड्डी तोड़ डालो, लेकिन मुल्क की मोहब्बत मुसलमानों के दिल से मिटा ना पाओगे। और सुनो, अब तो दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ की गोद में बैठकर रोडों पर आजादी मांगना सीख रहा है। जरा सोचो कि जब वो अपने पैरों पर चलेगा तो तुम उसकी आजादी कैसे छीन पाओगे। और मेरे भाई, मेरी माँ बहने सुन रही है, इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी थी। आज ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, किस बात का खतरा है हिंदू को? अरे मुसलमान का बच्चा बोल रहा है, जिस्म का खून का एक एक कतरा बह जाएगा, लेकिन चुना हिंदुओं तुम पर आंच ना आएगा। और किस बात का खतरा है हिंदू को मेरे भाई? आज मुल्क में मेरे भाई नफरतों का जहर घोला जा रहा है। जो लोग ईद दिवाली साथ मनाते थे, आज उस भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। और जो हुकूमत ये कहती थी कि मुसलमानों की माँ बहनों को हक दिलाएंगे, आज वो सड़कों पर अपने हक के लिए बैठी है, तो ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो सुनो अमित शाह, तुम क्या कहते हो कि एक इंच भी पीछे ना हट पाएंगे? अरे तुम तो एक इंच की बात करते हो। सुनो, अगर तुमने CRNRC को वापस ना लिया तो हम इसी रोड पर दफन हो जाएंगे। तुम तो एक इंच की बात करते हो, हम तो आधा इंच भी पीछे ना हट पाएंगे। और मेरे भाई, ये तो हुकूमत ने देख लिया होगा। मेरी माँ बहने सुन रही है, हुकूमत ने देख लिया लाठियां चलवाकर, गोलियां चलवाकर कि रोडों पर जितना खून बहाओगे उतना इंकलाब रोडों पर आएगा।
की जुल्म पर जुल्म है, बढ़ जाएगा तो मिट जाएगा। आज ये लोग, आज ये लोग जो सीए लेकर आए, आज ये कह रहे हैं एनआरसी नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर या पूरे हिंदुस्तान में दो महीने से मेरी माँ बहनें दिल्ली की सड़कों पर इस कड़ाके की ठंड पर अपने हक और इंसाफ के लिए बैठी हुई है, लेकिन हुकूमत की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आखिर हम लोग क्यों बैठे हैं? आखिर ये लोग हमारी शहरियत मांग रहे हैं, किस बात के लिए मांग रहे हैं मेरे भाई? इन लोगों को नहीं मालूम आज ये मुल्क के गद्दार जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा भेजा, जिन्होंने अंग्रेजों को गुलामी करी, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखरी करी, आज ये उन लोगों से शहरियत मांग रहे हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर मुल्क को आजाद कराया। हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने अपनी गर्दनों को सूली पर लटकाया, आज ये लोग उनसे मुल्क की शहरियत मांग रहे हैं। आज मुल्क के मंत्री इलेक्शन होता है या कहीं पर सभा होती है तो जाकर कहते हैं गोली मारो सालों को, गोली मारो गद्दारों को। अरे कौन गद्दार है? अरे कौन गद्दार है? मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक तरफ से कहता है कि दिल्ली की सड़कों पर इन लोगों को इनके लिबास से पहचानो। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हम लोग दहशतगर्द हैं? अरे मेरे भाई और मेरी माँ बहने सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आज ये लोग जिन्हें दहशतगर्द समझ रहे हैं, जिनके लिबास से उनकी पहचान बता रहे हैं, अरे ये वही दाढ़ी वाले हैं, ये वही टोपी वाले हैं, ये वही कुरानों को पढ़ाने वाले हैं, ये वही मस्जिदों में नमाजों को पढ़ाने वाले हैं जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था। वो अंग्रेज जो तन के तो गोरे थे लेकिन शायद मन के काले थे। जब मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था तो इन्हीं दाढ़ी वालों ने, इन्हीं टोपी वालों ने, इन्हीं नमाजों को पढ़ाने वालों ने फतवा दिया था और कहा था, सुनो मुसलमानों, जिस तरीके से तुम्हारे लिए पांच वक्त नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए जकात फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए रोजा फर्ज है, इसी तरीके से इन अंग्रेजों को भगाना भी फर्ज है, इन अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, जो लोग अंग्रेजों को माफीनामा भेज रहे थे कि सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी वालों, अरे ये वही दाढ़ी टोपी वाले हैं, हिंदुस्तान की सच्ची तारीख कहती है, उठाकर देख लेना कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ न था जहाँ पर दाढ़ी और टोपी वाला लटका ना था। इसके लिए, इस मुल्क के लिए आज हमारी कुर्बानियों को जाया किया जा रहा है। आज ये लोग हमारी तादाद से हमारी पहचान बता रहे हैं। 85 करोड़ को, 85 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों से कैसे खतरा हो सकता है? अरे मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा अपनी वफादारी का सबूत दिया है। हमने किसी धर्म से नफरत नहीं करी, हमने हिंदू भाई को भी भाई माना, सिख भाई को भी भाई माना, ईसाई को भी अपना भाई माना। हमें जहाँ जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे, मुल्क को जरूरत पड़ी हम वहाँ पर खड़े रहे, उसके बावजूद भी ये लोग हम पर शक करते हैं, हमसे हमारी शहरियत मांगते हैं, हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज ये लोग हमारी तादाद की पहचान कर रहे हैं। इन्हें शायद नहीं मालूम कि मुसलमानों ने कोई जंग या मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लेना, मुसलमानों ने कोई जंग तादाद से नहीं जीती, चाहे वो बदर की जंग हो, चाहे वो कर्बला की जंग हो, चाहे वो खंडक की जंग हो, मुसलमानों की तारीख बताती है। मुसलमानों ने अगर जंग जीती है तो अपने ईमान से जीती है, अपने हिम्मत से जीती है, अपने हौसले से जीती है। ये आज हमारी तारीख बता रहे हैं। मेरी माँ और बहने बैठी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज से पहले तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने पर पूरा यकीन था। जो आज नरेंद्र मोदी अमित शाह ये सोच रहा है कि मुसलमान उनकी जुबान की आवाज में आवाज मिला देंगे, तो मैं कह रहा हूँ एक सपना यजीद भी लेकर आया था और वो यजीद ये सोच रहा था कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, ईमान को मिटा दिया जाएगा, और नवाज़े रसूल को कहा गया कि तुम अहले बैत को छोड़कर मेरे हाथों पे बैत ले लो। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मैंने एक जालिम के हाथ पर बैत लिया तो कयामत तक नाना जान की उम्मत एक जालिम को ही अपना अमीर समझ बैठे।
और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाकर मुसलमानों तुम्हें और सुन्नत का नमूना पेश किया और बताया उम्मत मुस्लिमा को कि जालिमों से कैसे टकराना है, सब्र का सामना कैसे करना है। वह सनिक से गिजरी रोजे आसूरा मैदान करबला सुलगती हुई रेत सूरज अपनी आमद आपके साथ चमक रहा था। एक चेहरा पुरनूर सर पर इमामा और जुबा पर इनामा साबरीन का फिर था, कमर झुकी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, होठों पे खुश्क पपड़ी थी कि शायद कई दिनों किसे भूखा प्यासा था, कमर झुकी हुई थी कि शायद जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया था, लेकिन जुबा पर एक ही सलाम उल्लाहुम्मा साबरीन का भेद था, लेकिन सबर का पैमाना लबरेज होने पर था क्योंकि हुसैन इब्ने अली के हाथों में अली असगर थे। हुसैन ऐलान करते हैं, ये अजीज जो इस बन्ने से बच्चे को दो बूंद पानी दे दो, ये बच्चा प्यासा है, ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन ऐलान होता है एहुल्ला हुसैन के कलाम को खता कर दे। फिर होना क्या था, तीन मुंह तीर ऐसा चलाया कि वो अली असगर के गले को चीरता हुआ खाके करबला पर जा गया। लेकिन इमाम हुसैन है कि जुबा पर इल्लाहुम्मा साबरीन का वीर था और करबला की उस मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया और मुसलमानों ने तुम्हें बताया एक तो नहीं 500 नहीं 22,000 यजीदियों के सामने अकेला तड़ा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाशें बिन कफन के लाइन में पड़ी थी, भाई बेटे भांजे की लाश उठाकर खेमे तक ले जा चुके थे, 72 लाशें बिन कफन के मैदान में पड़ी है। लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, सुल्फिकार को लहराता हुआ निकला तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन जी बकार है, ये कौन से सवार है, लिबास है फटा हुआ, लक लक कटा हुआ, जिसमें है छिदा छिदा फटा हुआ, फिर भी है टटा हुआ, ये नूर नबी का ऐन है, ये फिर यकीन हुसैन है। और मेरी माँ बहनों सुनो, इमाम हुसैन ने सब्र से टकराने का वो हौसला दिया और जब सस्ते की हालात में उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यही तो पैगाम उम्मत मुस्लिमा को देने आया था कि ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता, और ये सर झुकेगा तो सात परवरदिगार के आगे झुकेगा। आज ये लोग हमारी तारीख मिटाने की बात कर रहे हैं, अरे हमने तो उस वक्त भी अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। याद रखिए, यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, लेकिन इमाम हुसैन के चाहने वाले आज भी इमाम हुसैन को लेकर अपने ईमान से जिंदा है। आज कहां गया ये लोग, बड़ी बड़ी बातें एनआरसी लेकर आएंगे, सीए लेकर आएंगे, शायद आपको नहीं मालूम, आज जो ये लोग सीए लेकर आए आखिर इनका नजरिया क्या था सीएए लाने का। आज हम लोग क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हुकूमत जो बोलेगी वो नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत ने अगर इस हिंदुस्तान में कुछ किया है, अगर कोई भी काला कानून पास किया तो सिर्फ हम मुसलमान, हम दहशतगर्द, अरे हम तो वही मुसलमान है जिसने जमाने को अमन अमन का पैगाम दिया, हम तो वही मुसलमान है जिसने जमाने को जुल्म से आजाद कराया, अरे हम तो वही मुसलमान है जिसने एक अजीम उम्मत का खिताब पाया और उसके बावजूद अमन फैलाने वालों को ये दहशतगर्द कहते हैं। आज हम लोग हमारी बातें हर जगह हम ही हम, मीडिया पर बैठो तो मुसलमान, किसी से बोलो तो मुसलमान, आखिर मुसलमानों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, अरे इस मुल्क की आजादी के लिए हमने गर्दनों को कटवाया है। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के दो हिस्से किए गए, एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया और एक मुल्क जिसको हिंदुस्तान कहा गया। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान में कहा गया कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो हर धर्म का इंसान इस मुल्क में रह सकता है। और जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत थी उन्होंने जिन्ना के पैगाम को अपनाया और पाकिस्तान चले गए, और जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा कर जो हमारे आबाओ अजदाद ने ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा लाकर एक हसीन हिंदुस्तान का सपना देखा था, हमारे आबाओ अजदाद ने कहा था कि सुनो मुसलमानों कुतुब मीनार की ऊंचाइयां तुम्हें पुकार कर बुला रही है,
ताजमहल की खूबसूरती तुम्हें बुला रही है, जामा मस्जिद की चौखटें तुम्हें आवाज दे रही है, और हमारे आबा अजदाद ने यह सुनकर ये सोचा कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखकर इस हिंदुस्तान में रहकर एक हसीन हिंदुस्तान बनाएंगे। लेकिन मुल्क की 72 साल की आजादी के बाद आज हमसे कहा जाता है कि तुम अपनी शहरियत लेकर आओ। किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि मुल्क के मुसलमान वफादार हैं। आसाम के अंदर एनआरसी लेकर आए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी के चपेट में आया। ये लोग सोच रहे थे कि 19 लाख में कम से कम 17 लाख तो मुसलमान होंगे, लाख दो लाख बचेंगे उनको देख लिया जाएगा। जब 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी के चपेटे में आया, जब सर्वे सामने आए, रिपोर्ट सामने आए, तो उसमें 15 लाख गैर आबादी वालों का नाम था और 4 लाख मुसलमान। ये तिलमिला गए, ये घबरा गए, इनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ने लगे। अब इनको लगा कि 14-15 लाख लोगों को वापस कैसे लेकर आना है, इन 2-4 लाख लोगों को तो देख लिया जाएगा। तो गुजरात का वो कातिल, गुजरात का वो गुंडा जिन्होंने गुजरात के अंदर कत्लेआम कराया, जिन्होंने गुजरात को बर्बाद किया, उन गुंडों के दिमाग में एक साजिश आया और फिर उन्होंने एक नया कानून बनाया कि अब सीए भी लाएंगे। सीए भी को सीए करा गया, सीए लेकर आए कि 14 लाख लोग तो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, लेकिन 4 लाख लोगों को बाहर कर दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और यही सीए फिर पूरे हिंदुस्तान में लाएंगे, फिर इसी एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान में लाकर या तो मुसलमान झुक जाएगा, अपने ईमान को छोड़ देगा, अपने इस्लाम को छोड़ देगा और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हिंदुस्तान, और मुसलमान अपने ईमान को कमजोर कर हमारी गुलामी करने लग जाएगा। इन्होंने एक साजिश, एक जहन में एक सोच बना बैठी है, क्योंकि आरएसएस ने जो किताब लिखी थी उसमें स्पष्ट लफ्जों में लिखा था कि 2025 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं लोग। आपको याद होगा जब घर वापसी का नारा लगा था तो ये घर वापसी उसी के लिए हो रही थी कि मुसलमान अपने ईमान को बेच दे, मुसलमान अपने ईमान को कमजोर कर दे। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, डिटेंशन कैंप तो छोड़ो, रोडों पर अपनी कब्रें बना लेंगे, लेकिन कभी अपने ईमान और इस्लाम को कमजोर नहीं होने देने वाले। आज आप लोग यहाँ पर मैं सलाम कर रहा हूँ आप लोगों को, जो हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, जो जज्बा आप लोगों ने दिखाया है, जो हौसला मेरी माँ बहनों ने दिखाया है, कुर्बान जाइए ऐसी मेरी माँ बहनों पर, स्टेज के बाहर अपने घर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर रोडों पर सिर्फ किस लिए बैठी है? क्योंकि हमारे हक और हुकूक के लिए, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल आपको पता है, अगर आप लोग हिंदुस्तान में इंकलाब नहीं लाओगे तो आने वाला मुस्तकबिल उजाड़ दिया जाएगा, आने वाली नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। जो सपना ये लोग देख बैठे हैं, उन सपनों को अगर चकनाचूर करना है, मैं ये नहीं कहता कि पूरा हिंदुस्तान गलत है, लेकिन ये चंद लोग, ये अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, ये गद्दार लोग, आज भी हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, शाहीनबाग में जाता हूँ यहाँ पर भी खड़े होंगे, यहाँ पर भी बैठी होंगी जिन्हें हिंदुस्तान की खूबसूरती मालूम है, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, आज वो मुसलमानों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये कह रहा है कि हम भी तुम्हारे लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। आज उनको भी सलाम है, आज उन लोगों को भी सलाम है। और मेरी माँ बहने आप बैठी हो, जब ये नरेंद्र मोदी ये सोच रहा था कि मेरी बुरखे में लिपटी माँ बहने ट्रिपल तलाक की मारी है, ये वो नहीं है, वही नरेंद्र मोदी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी माँ बहनों को कमजोर कह रहा था, जो तुम्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहा था, जो तुम्हें ट्रिपल तलाक से आजाद कराने की बात कर रहा था, ये वही नरेंद्र मोदी है। 2002 जब नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम था, वो 2002 नर्मदा पाटिया मासूम बच्चियां घर में सोच कर उठी थी कि अब्बा घर से बाहर जाएंगे, शाम को घर जल्दी आएंगे, लेकिन इसी नरेंद्र मोदी के इलाके के अंदर, नर्मदा पाटिया के अंदर एक नफरत भरी भीड़ इकट्ठी होती है, उन बापों की लाश रोडों पर उनकी लाश बिखर जाती है, बच्चियां इंतजार कर रही थी कि अब्बा घर आएंगे, डोरबेल बजता है, दरवाजा खुलता है, अब्बा तो नजर नहीं आते, 4 साल
15 साल की मासूम बच्चियों को ये लोग धरा से घसीटते हैं, उन्हें लौटते हैं, उनको जिंदगी का शिकार बनाते हैं। बच्चियां चिल्ला रही है, अम्मा बचालो, अप्पा बचालो, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ तक नहीं, एक औरत 7 बजे डिलीवरी करने वाली है, 7 बजे उसके साथ रेप कर दिया जाता है, और दरिंदर का जी यहाँ तक नहीं भरता, उस औरत के पेट में दराज डालते हैं और जिंदा बच्चे को निकाल कर उसके टुकड़े कर डालते हैं। और ये लोग जिन्होंने गुजरात में हमारी माँ बहनों की अजमतें लुटवा दी, हमारी बच्चियों को जिंदा जला दिया गया, दरिंदगी का तमाशा बनाया गया, वो तुम्हारे अधिकार की बात कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मुसलमानों की माँ बहने कमजोर हो चुकी है, ट्रिपल तलाक की मारी है। अरे मुसलमान नहीं देता, तुम्हारे अंदर इतने तलाक हुए, तुम अपनों को नहीं देखते, तुम्हें कुछ नजर आता है तो मुसलमान, तुम्हें कुछ दिखता है तो मुसलमान, क्योंकि ये लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं। ये लोग हम नहीं चाहते कि हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़े, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को तालीम मिले, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, ये लोग चाहते हैं तो सिर्फ हमें कमजोर कर देना, ये लोग चाहते हैं तो सिर्फ हमें दबा देना। अरे हम लोगों ने तो हमेशा से हिंदुस्तान में रहकर अपनी वफादारी का सबूत दिया, हर जगह जहाँ जरूरत पड़ी वहां जाकर खड़े हुए। एतजाज करना आईन का दस्तूर है, एतजाज हिंदुस्तान में हुआ है। और याद रखिए, आपको भी मालूम है, जब जाटों ने आरक्षण के लिए एतजाज किया पूरा हरियाणा जला दिया गया, करोड़ों रुपए तबाह हो गए। जब गुज्जरों ने एहतजाज किया, रेलों की पटरियों को उखाड़ दिया गया, न जाने कितने करोड़ों का नुकसान हुआ। पटेलों ने एहतजाज किया, सबने एहतजाज किया, लेकिन पुलिस की गोलियां किसी पर नहीं चली मेरे भाई। आज इस सीए और एनआरसी के लिए, हिंदुस्तान की आईन को बचाने के लिए, जब वो दाढ़ी वाले, वो टोपी वाले, जब तिरंगा झंडा हाथ में लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले, चाहे दिल्ली की सड़कों पर निकले, तो इनकी गोलियां तैयार हो गई हमारे सर्वोच्चों पर चलने के लिए। 30 लोगों को शहीद कर दिया गया, एहतजाज हर धर्म ने किया, नुकसान सब ने किया, लेकिन जो मुसलमान खामोशी से रोडों पर अपने आईन को बचा रहा था, संविधान को बचाने की बात कर रहा था, इन पुलिस की गोलियों ने हमारे नौजवानों के सर्वोच्चों पर मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर खुश सबर से सो जाती है, अपने बच्चे को गलती पर मार कर भी उसके हिस्से का आंसू खुद बहाती है। जब कोई आकर उसकी माँ के कानों में ये कहता होगा कि जिन्हें गोलियां मार दी गई, अरे तेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, तेरे बच्चे के चेहरे पर दर्द झलक रहा था, तो उस माँ का दूध कतरा कतरा खून बनकर टपकता होगा। इन लोगों को कोई चिंता नहीं हमारी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता, मैं यहाँ पर कोई सियासी बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपके बीच में आया हूँ तो आपको जगाने आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि हुकूमत झुकेगी इंशाल्लाह, और हम लोग झुकाएंगे, हम लोग बताएंगे कि सुनो, हम लोग झुकाएंगे, हम लोग बताएंगे कि सुनो, मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझने वालों, सुनो आरएसएस, सुनो मोदी, सुनो अमित शाह, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तरमीम और यहूद के टुकड़ों पर मरता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती, लेकिन नहीं, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे ले देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, आजादी को लेंगे। अब ये लोग कहते हैं किस बात की आजादी, अरे आजाद तो हमने 1947 में मुल्क को करा दिया, अब हम अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे, अब हम लोग भुखमरी से आजादी मांग रहे हैं, मनवादी लोगों से आजादी मांग रहे हैं, इन फिरका परस्त ताकतों से आजादी मांग रहे हैं, जिन लोगों ने मुसलमानों को खून को पानी समझकर रोड़ों पर बहा रखा है। आज पुलिस की लाठियां तैयार नहीं होती, आप देखिए जामिया के अंदर एक स्टूडेंट पे गोली मार दी जाती है और पुलिस के पास हथियार है, डंडे हैं, लाठियां हैं, पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, और वो आता है और फायरिंग कर देता है, और वहीं पर
अगर ये दाढ़ी वाला या टोपी वाला एक छोटा सा चाकू भी लेकर चला जाता ना, तो पीछे से ही उसको शूट कर दिया जाता। ये ना इंसाफी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ, क्योंकि वो लोग आज ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का सीएम बदला लेने की बात करता है, ये लोग उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सीएम ये बयान देता है कि हमारी माँ बहनों को कब्र से निकाल कर रेप कर दिया जाएगा, ऐसी मानसिकता के लोगों को ये लोग सत्ता की कुर्सी देते हैं, हुकूमत देते हैं कि जब ऐसे लोग आए तो मुसलमानों के साथ जुल्म करे, मुसलमानों को दबाए, मुसलमानों को कुचले और मुसलमान डरा हुआ महसूस कर इनके पीछे चलने लगे, इनकी बात मान जाए। लेकिन इन्हें हमारी तारीख का नहीं पता, अरे हमें तारीख का नहीं पता। सुनो, हमारी तारीख पूजा के सपने देखने वालों, हमारी तारीख कहती है कि हमारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद पड़ा, इब्राहिम का तो कुछ ना हुआ, नमरूद का नाम और निशान मिट गया। सुनो, हमारी तारीख मिटाने वालों, हमारी तारीख कहती है कि हमारा मूसा समंदर का तलवा सीना छीन कर समंदर पार कर गया, अरे मूसा का तो कुछ ना हुआ, फिर उनका नाम और निशान मिट गया। सुनो, हमारी तारीख मिटाने वालों, हमारी तारीख कहती है कि करबला के मैदान में तलवारों के सारे में हुसैन ने इनकार कर दिया, अरे जब यजीद हमारी तारीख नहीं मिटा पाया, फिरौन हमारी तारीख नहीं मिटा पाया, नमरूद हमारी तारीख नहीं मिटा पाया, तो इस गंजे और चाय वाले की क्या औकात है। तारीख मिटा दे। आज मुसलमान क्यों लड़ रहा है? आज हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे। अगर लोग ये सोच रहे हम लोग हिंदुस्तान के आईन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो बाबा साहब भीम अम्बेडकर राव ने एक संविधान दिया था और कहा था कि इसमें कोई मजहब नहीं है, इसमें कोई बिरादरी नहीं है, इसमें तमाम लोगों को जीने का अधिकार है। जिस संविधान के अंदर न हिंदू लिखा गया, जिस संविधान के अंदर न मुसलमान लिखा गया, जिस संविधान के अंदर न ईसाई लिखा गया, आज उस संविधान को ये लोग मिटा देना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है इन लोगों को नहीं बर्दाश्त कि एक नीची कास्ट से उभरा हुआ बाबा राव भीम अम्बेडकर, जिनके पूर्वजों के घरों में मटका बांधकर घुमाया गया, जिनकी कमर में झाड़ू बांधा जाता था, जिनके मटके में थूका जाता था, जिन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिन्हें स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, एक नीची जात का इंसान पढ़ लिख कर एक संविधान को लिखता है और उस संविधान में तमाम लोगों को जीने का अधिकार देता है। ये मनुवादी सोच लोग उसी संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, ये अपना संविधान लाना चाहते हैं जिस संविधान में सिर्फ मनुवादी को जीने का अधिकार हो, ना दलितों को जीने का अधिकार हो, ना मुसलमानों को जीने का अधिकार हो, ना आदिवासियों को जीने का अधिकार हो, ये उसी संविधान को मिटाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों से कह देता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान के अमन परस्त लोग जिंदा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, सड़कों पर आकर अपनी कदर खटा डालेंगे, लेकिन संविधान से तुरंत छेड़छाड़ नहीं कर देंगे। मैं हिंदुस्तान में आज अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कोई सी जगह पर हो, सलाम है दिल्ली वालों, वो लोग तुम्हें सलाम भेजते हैं और कहते हैं कि दिल्ली वालों ने जो इनकलाब पैदा किया है वो हिंदुस्तान में इनकलाब कोई नहीं पैदा कर रहा है। हर जगह तुम्हें लोग सलाम कर रहे हैं, मेरी माँ बहनों को हौसले को सलाम कर रहे हैं, उनके जज्बों को सलाम कर रहे हैं कि जो हिम्मत तुमने दिखाई है और हुकूमत की आंखों में आके डाल कर बता दिया, गोलियां चला लो, लाठियां चला लो, लाशें बिछा डालो, लेकिन हम हटने वाले नहीं। अब तक हम तो एक इंच क्या, एक इंच क्या, तुम रत्ती भर भी इंच के बराबर नहीं रहोगे, पीछे तो हटना पड़ेगा।
पीछे तो हटना पड़ेगा तुम्हें और लोगे वहां पर। ऐसा कोई आपको पता है? आज पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि आजादी के बाद अगर सबसे बड़ा इंकलाब आया है तो मेरी माँ बहनों ने हिंदुस्तान में लेकर आई है। आजादी के बाद से सबसे बड़ा इंकलाब हो हम लोग, और हर जगह आपको मालूम है कि इनके मंसूबे तैयार हो गए। अमित शाह ने कल बयान दिया, अमित शाह ये बात कह रहा है कि मैं सीए पर विचार करने के लिए तैयार हूँ, टाइम हो तो ऑफिस में आकर मिल सकते हो। अरे लाखों करोड़ों लोग रोडों पर बैठे, तुमसे मिलने दो तीन जने जाएंगे। अरे रोड पर आओ और सड़कों पर आकर करोड़ों के बीच में बोलो कि क्या चाहते हो, उसके बाद वो आवाज सुनना और फिर फैसला लेना। दो चार जने जाकर क्या बात करेंगे इनसे? ये लोग तुम्हारे बीच में नहीं आ सकते, या तो डरते। अच्छा इनको खतरा है, वो मनोज तिवारी कह रहा मैं शाहीन बाग में जाऊंगा तो मुझे मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई, हम क्यों मारेंगे? हम तो अमन के साथ बैठे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे, और कहता है मेरे को मारेंगे। वो अमानतुल्ला खान ने आपके सिग्नल पिक्चर पर मारा होगा, अब वो ओला में रोकना चाहता तो मेरे को मारेंगे। लेकिन बात क्या डर है, हुकूमत तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, हम क्यों मारेंगे? हम तो चाहते हैं तुम आओ, हमसे बैठ कर बात करो, हमें बताओ कि आप लोग किस लिए बैठे। हमें कोई नहीं भड़का रहा, आज ये लोग कह रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे मेरे भाई मेरी माँ बहने जरा बताओ, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अनपढ़ गवार है क्या? वो पढ़े लिखे नहीं क्या? वो समझते हैं इसीलिए रोडों पर है। और जो अनपढ़ गवारों की सरकार बैठी है वो लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ है। लेकिन हम लोगों ने मिलकर ये बता दिया और आप लोगों ने भी ये बता दिया कि हम लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हम रोडों पर आते हैं तो इंकलाब के नारों के साथ आते हैं, हम हरियाणा को जलाते हैं वो नहीं आते, हम राजस्थान में पटरियों को उखाड़ते हैं वो नहीं आते, हम गुजरात में मुसलमानों को जलाते हैं वो नहीं आते, हम दीवान पर एक ही सदा लेकर आते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लेकर रोडों पर चलते रहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी हमें बदनाम किस बात का? इलेक्शन आया, आज दिल्ली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबे कैसे दिखा, पूरे हिंदुस्तान को देख लिया कि दिल्ली के अंदर यो के पास विकास नाम की चीज नहीं थी। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं जिस एरिया से आया हूँ, किराड़ी विधानसभा के अंदर इलेक्शन चल रहा था, एमएलए साहब ने बोला, जो बीजेपी से एमएलए के कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला कि वोट डालने जाना तो विकास का नाम मत लेना, पर डाल के जाना और बोलना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम जी को हम इज्जत करते हैं और राम जी ने सत्य का साथ दिया था, तो मैंने उनसे कहा यार तुम वोट डालने जा रहे हो जय श्री राम के, जब राम जी को ही जिताना है घर बैठो, राम जी जाएंगे बटन दबाए आएंगे, आपको सत्ता की खुशी मिल जाएगी। अरे राम को बदनाम करने वालों, राम ने अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, राम का नाम सत्य से जाना जाता है, अहिंसा से नहीं जाना जाता। अगर श्री राम की कहानी बताई जाती है तो अहिंसा की नहीं बताई जाती, उन्होंने तो सत्य का साथ दिया था इसलिए उनकी जीत हुई थी। तुम क्यों राम को बदनाम कर रहे हो? और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि राम के नाम पर मारने वालों, रोडों पर राम के नाम के नाम पर खून बहाने वालों, अगर श्री राम ने तुम्हें मारना सिखाया है तो मैं तो कहता हूँ कि राम से अच्छा तो रावण था जिसने सीता को हर कर उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। हम राम को बदनाम नहीं कर रहे, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम धर्म की इज्जत करते हैं, हम हर भगवान की इज्जत करते हैं। जैसे हम मस्जिद में इबादत करते हैं तो मंदिर में पूजा करते हो, हम लोगों का हमारा फर्ज है कि हम दूसरे धर्म की भी उतनी इज्जत करें, आप हमारे धर्म की भी इज्जत करो। नारा लगा दिया मेरे इलाके में कि कठुआ का वोट नहीं चाहिए, कैसी बातें, यानी इस तरीके के अल्फाज हमारे लिए यूज करे जा रहे हैं। अरे हम लोग, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, कितनी बड़ी आबादी है हमारी, चंद टुकड़ों में बटे हुए हैं, फिर भी हमने वहां पर किसी मुसलमान को तो नहीं जिताया,
हमने एक आमन परस्त लोगों को वोट दिया जो हिंदुस्तान के भाईचारे को जिंदा रखे। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, ना मैं किसी की मुखालफत करता। हाँ, जो सच के साथ होगा अल्लाह भी उसे जीतेगा और राम भी उसे जीतेगा, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है। तो आप लोगों से मैं यही बोलने आया हूं कि तमाम चांद बाग वालों, मेरी माँ और बहने, मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े, तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, जिस जज्बे के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ आप लोग बैठे हो, इसी हौसले के साथ, इसी हिम्मत के साथ आप लोग बैठे रहो। इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा और हमारी जीत होगी और जीत होकर रहेगी। चाहे कितना वक्त लग जाए, अगर आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा। मुंह में जुबान होनी चाहिए, बोलने की आजादी सबको है और हम बोलेंगे और हम इंकलाब ला कर रहेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि जो दाढ़ी के नाम पर मारते हैं, जो टोपी के नाम पर मारते हैं, जो गाय के नाम पर मारते हैं, सुनो सुनो, हमें मारने वालों, तुम्हारे पापा को सरे बाजार फोड़ जाएंगे, मिसले इब्राहिम जुल्मत की भुतों को तोड़ जाएंगे और लश्कर 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 करेगी हमारी तलेरी की तस्वीरें, हम मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाएंगे। और आप लोगों के साथ जो भाईचारे सैकुलिज्म, अगर मेरी बातों से किसी भाई को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं, मेरा दर्द बोल रहा है, मेरी कौन का दर्द बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जुल्म हमारे साथ हो रहा है, नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है और हम बोल सकते हैं। हम किसी मजहब का मजाक नहीं बना रहे, हम हर मजहब के साथ हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती में हम पूरे भाईयों के साथ रहना चाहते हैं। हमारी ईद दिवाली साथ मनाना चाहते हैं, हम तमाम त्यौहार तुम्हारे साथ मनाना चाहते हैं। तो आप लोगों को सलाम है जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी माँ बहनों के जज्बों को सलाम है जिन्हों के साथ आप मिलकर एक शायद चांद बाग बनाया और ऐसा ही बाग पूरे हिंदुस्तान में लगाने कितने बने हुए हैं। और तमाम मेरी माँ बहनों को सलाम है जो अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। मैं अपनी बातों से अपनी बात खत्म करता जाऊंगा कि मेरी बातों को छीना है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैद हूँ, मेरे लहजे में सच का बात पल है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूँ, जिंदा नस्ल हूँ।